कोरोना संकट में लंबे समय से बंद पड़ी ट्रेनों को संचालन में लाने के लिए इंडियन रेलवे ने कवायदें शुरू कर दी, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेन को ट्रायल के तौर पर ही चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अगर यात्री इन ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो उनको पहले की तुलना में ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे ने किराए में इजाफा कर दिया। खास बात यह है कि अब सिर्फ रिजर्वेशन वाले यात्री ही ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। जिसके पास रिजर्वेशन नहीं होगा वह ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी से इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है। विभाग ने मौलानी से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया। यह ट्रेन 22 मार्च 2020 से बंद पड़ी। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया है। यात्री चाहे कितनी भी दूर का सफ़र करें उनके लिए रिजर्वेशन ज़रूरी होगा। इसके अलावा ट्रेन आने के सिर्फ आधे घंटे पहले टिकट विंडो ओपन होगा और यहाँ भी यात्रियों को रिजर्वेशन वाला टिकट ही मिलेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करा सकते हैं।